और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मास्टर केपी। मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए पाइनएप्पल मिक्स जूस की रेसिपी लेकर आई हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइनएप्पल को इजी तरीके से कैसे काटा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने पाइनएप्पल ले लिया है एक, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और ऊपर यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट रहता है उसे हटा दिया है। ये देखिए, अब हम इसे काट लेंगे। इस प्रकार से काटते जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीका है। इस प्रकार से काटने पर फटाफट कट जाते हैं। राउंड राउंड शेप में पहले पूरे पाइनएप्पल को काट लेंगे। राउंड शेप में पूरे पाइनएप्पल को काटने के बाद फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक एक पीस को हम उठाते जाएंगे और इस प्रकार से छिलके निकालते जाएंगे। बस 3 से 4 मिनट में पूरा पाइनएप्पल हमारा छिलकर रेडी हो जाता है। इस प्रकार से काटने पर बहुत ही ईजी तरीका है। ये देखिए, दूसरे पीस को भी कर लेंगे। इस प्रकार से काटने पर ये देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर बीच बीच में कांटे रहते हैं वो भी बहुत ही कम आते हैं, इसमें ये पूरे छिलके में आ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके पीस कर लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। पाइनएप्पल के सभी पीसेस को मैंने जार में डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं उसमें 2 चम्मच शुगर ऐड करूँगी। पाइनएप्पल हमारा थोड़ा खट्टा होता है, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। यदि आप शुगर ऐड करना पसंद ना करते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। अब उसमें मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ऊपर से ढक्कन लगाकर पीस लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, जूस हमारा रेडी है। अब हम इसे छान लेते हैं। इस प्रकार स्ट्रेनर में डालकर हम छान लेंगे। पाइनएप्पल का जूस छानते समय फ्रेंड्स, स्ट्रेनर आप बहुत ही बारीक वाला यूज़ करें, क्योंकि इसके कांटे जो रहते हैं वो बहुत पतले पतले रहते हैं पाइनएप्पल के। ये देखिए, पाइनएप्पल के जूस को छानने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाफ पपीता लिया है, उसे अच्छे से छील लिया है और उसके पीसेस निकाल लिए हैं। इसे भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेते हैं। पपीता भी हमारा पीस कर रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पपीते के जूस को हम छानेंगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, पपीता बहुत ही स्मूथ होता है, एक भी पीसेस नहीं बचा है इसमें, ये इजीली ग्राइंड हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हम जो पाइनएप्पल का जूस हमने छान कर रखा था उसमें हम पपीते का जूस ऐड करेंगे। आप चाहो तो दोनों जूस को साथ में भी पी सकते हो, पर पाइनएप्पल हमारा थोड़ा सा हार्ड होता है और पपीता सॉफ्ट होता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग ग्राइंड किया था। मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप पपीता और पाइनएप्पल दोनों की क्वांटिटी सेम ले। मैंने पपीता थोड़ा सा कम लिया था और पाइनएप्पल थोड़ा सा ज़्यादा था। पाइनएप्पल को पीसते समय मैंने 2 चम्मच उसमें शुगर ऐड करी थी। पपीता हमारा मीठा होता है इसलिए मैंने उसमें शुगर ऐड नहीं करी है। वैसे भी पपीता पाइनएप्पल के खट्टेपन को बैलेंस कर देता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार से जूस बनाओ तो आप उसमें दूध ऐड ना करें। दूध और पपीता जब मिक्स होता है तो थोड़ी सी देर में कड़वा हो जाता है, उसे तुरंत पीना पड़ता है। यदि आप दूध ऐड करो तो उसे तुरंत पी लें। अब मैं जूस को सर्विंग ग्लास में निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो आइस क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हो, पीसते समय भी डाल सकते हो, पर मैं वेदर काफ़ी ठंडा है इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए, न्यू टेस्ट का जूस हमारा रेडी है। आप भी एक बार इस प्रकार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये न्यू टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।